हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु और आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के नॉट इंटरेस्ट के बारे में। यानी कि आपका जो पार्टनर है वो आजकल सेक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, रुचि बिल्कुल भी नहीं दिखाता, इसके पीछे क्या वजह है। और मैं सिर्फ जेंडर वाइज बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि किसी औरत की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये मर्द के केस में भी हो सकता है। काफ़ी बार पुरुष भी ऐसा फील करते हैं कि उनको सेक्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वैसे भी फीमेल पार्टनर अप्रोच नहीं करती, उनका खुद का भी मन नहीं करता। कभी कभार तो हफ्ते दर हफ्ते ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी फिजिकली इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनाते। खास तौर से शादी के कुछ सालों बाद से ही काफ़ी सारे कपल में ऐसा देखा जाता है कि या तो किसी एक पार्टनर में ऐसा हुआ है या फिर दोनों पार्टनर के बीच ही ऐसा हुआ है कि वो अब फिजिकली बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होते, या फिर इंटीमेसी काफ़ी कम हो गई है, या फिर किसी एक पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है कि पार्टनर का ही बिल्कुल इंटरेस्ट कम है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या वो एक्सट्रामैरिटल अफेयर के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि मेरे ऊपर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर उसको अब मेरे से अच्छा नहीं लगता, कहीं मेरा साइज में कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके दिल में दिमाग में आता है। तो इसी के बारे में ही एलिब्रेटली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करते हैं पार्टनर के सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में कि क्यों वो अभी नहीं है। अगर दोनों का इंटरेस्ट कम होना फिर भी अलग बात है, बट किसी एक का इंटरेस्ट कम हो जाए ना तो बहुत दिक्कतें आ जाती है। झगड़े, तनाव, मनमुटाव, इमोशनल डिटैचमेंट, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसके साथ साथ सोशल इमेज पे भी इसका काफी असर पड़ता है। काफी लोग बाहर एक्सट्रामैरिटल अफेयर में जुड़ जाते हैं और लड़ने से इसका कोई भी हल नहीं निकलता। अगर आप अपनी वाइफ को फोर्स करते हो, अपने पार्टनर को फोर्स करते हो, अपने हस्बैंड को फोर्स करते हो, उनके साथ लड़ते हो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे कुछ भी नहीं होता, तुम बेकार हो, तुमसे मैंने शादी क्यों करी, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स वी नॉर्मली यूज ऑन बेड, बट ये नहीं करना चाहिए। लड़ने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सोल्यूशन निकालना जरूरी है और इस वीडियो में हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। क्योंकि सोल्यूशन निकालने के बजाय अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे ना, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। सोल्यूशन से पहले जानना आपको सबसे पहले ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम उसके बॉडी में है दोस्तों। काफी बार ऐसा होता है कि औरतों के केस में अगर हम बात करें तो शादी के बाद बच्चा और बच्चा करने के बाद शरीर में हॉर्मोन्स की दिक्कत हो जाती है। जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल के केस में, एस्ट्रोजन जो होता है उसकी लेवल कम हो जाती है कभी कभार डिप्रेशन की वजह से, कभी कभार पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से, कभी कभार आप दोनों के झगड़े की वजह से मेंटल स्टेट पे इसका असर पड़ता है और सेक्सुअल हार्मोन डिक्रीज होने लगता है। मर्दों के केस में भी ऐसा हो सकता है कि काम का प्रेशर, किसी और चीज़ का, फाइनेंशियल इश्यूज जिसकी वजह से डिप्रेशन आना, सेक्सुअल हार्मोन है उसका डिक्रीज हो जाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, हार्मोन डिक्रीज होने की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है। तो हमें ऐसा फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जो आपके सेक्स हार्मोन को बढ़ा सके, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। मर्दों के केस में अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत इष्ट इज बेस्ट, और मैं औरतों की बात करूँ तो उनके केस में शतावरी इज बेस्ट, दिस इज द क्वीन ऑफ हर्ब, क्योंकि इसको खाने से शरीर में जो सेक्स डिजायर होते हैं वो बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ती है। पार्टनर के शरीर में अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ही तो वो छूने पर राजी होगी ना। अगर बॉडी में ही इंटरेस्ट ना रहा तो कितना भी लड़ते जाओ झगड़ते जाओ कोई भी मसला नहीं निकलता, उल्टा ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अक्सर हम डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। ये तो रहा शारीरिक प्रॉब्लम यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम। अब बात करते हैं थोड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे। देखिए, जब भी हम डेट पे जाते हैं, किसी से मिलने आते हैं ना, तो सच धज के जाते हैं। हम उसके साथ पेट सेक्स के लिए भी जाए तब भी हम परफ्यूम लगा के जाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, नहा धो के जाते हैं। और वहीं पे जब आप फिजिकल रिलेशन के लिए बेड पे जाते हो शादी के बाद, आपको खुद बता है आप कैसे जाते हो। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि ऑफिस से लौटने के बाद सिर्फ हाथ पैर धो लेते हैं, नहाते तक नहीं है, उनके बॉडी से गंदी बदबू आती है, पसीने का स्मेल आता है, पूरा दिन धूल में मिट्टी में काम हो या फिर बाहर इतना पोल्यूशन होता है, उसका असर आपके बेड पे पड़ता है। और औरतें भी जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाते थे, बाहर भी नॉर्मली जाते हैं तो अच्छे चकाचक होकर जाते हैं, जब बेड पे जाते हैं तो पूरा दिन जिस कपड़े के साथ उन्होंने काम किया, बेड पे जाने के टाइम पे भी वही कपड़े पहन के आते हैं और वही सेम प्रॉब्लम, बॉडी से पसीना आना, स्मेलिंग की प्रॉब्लम, बाल एकदम अल्ले थल्ले। मैं नहीं बोल रही हूँ कि घर में आप लिपस्टिक लगा के घूमो, या फिर ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप दूसरा काम छोड़ के, कभी कभार घर में बच्चा होने के टाइम, बच्चा होना तो हमें खाने तक की फुर्सत नहीं होती, पर फिर भी हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ बेड पे अपने पार्टनर के लिए नहीं, ये हमारे हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये सारी चीज़
से अगर हम अनहाइजीनिक रहेंगे ना तो हमें इन्फेक्शन का खतरा होता है, औरतों के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स, यूटीआई की प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनमें हो जाते हैं, एनोरामस में बदबू होना। तो इसीलिए खुद के लिए भी हाइजीन का ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पार्टनर के लिए। कि अगर आप अच्छे रहोगे, साफ सुथरे रहोगे, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहती है, पार्टनर जब आपके बॉडी के स्मेल को फील करता है तो वो जब अच्छी अच्छी आती है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट वैसे ही बनने लगता है, वो पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं मे बी। और अगर मूड बनता भी है ना तो ऐसे स्मेल से वैसे भी मूड खराब हो जाती है। तो मूड खराब होने की वजह ये भी वजह है, अपने आप को थोड़ा सवारा करो, थोड़ा 5 मिनट के सही अपने ऊपर भी वक्त दिया करो। और चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर दोनों थके हुए हो ना तो उसको फोर्स मत करो। सिर्फ औरतें ही सारा दिन काम नहीं करती, मर्द भी बाहर सारा दिन काम करते हैं, तो हो सकता है कि उसके शरीर में डिजायर हो, ताकत बिल्कुल ना हो। तो इसीलिए सही वक्त का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप जो मेल पार्टनर हो आपका अभी मन है, बट आपकी फीमेल पार्टनर थकी है, उसका भी मन नहीं है, तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग को अप्रोच करो। बहुत बार जब हम पूरा रात नैप लेते हैं, अब जब पूरा रात सोते हैं, हमारी बॉडी जो थकी हुई बॉडी होती है उसको रेस्ट मिल जाता है। तो जो रात को जब हम रेस्ट मोड में होते हैं तो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और सुबह उसका असर अच्छा होता है। और आप जब थके हुए होते हो ना, आपकी थकान भी दूर हो जाती है। ये शारीरिक साथ साथ मानसिक तौर से भी आप दोनों को बॉन्ड करता है। अक्सर चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो ये औरतों की वैसे भी आदत होती है कि वो सुबह सुबह उठने के बाद ही अपना कपड़ा वपड़ा सब चेंज कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उससे वो फ्रेश फील करते हैं, और ये जो सेक्सुअल प्लेजर आपको सुबह सुबह मिलता है ना, ये पूरा दिन आपको अच्छा फील करवाता है। और दोस्तों, आपका घर कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी बढ़िया हो, कभी कभार आउटडोर सेक्स भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में तंगी है और आप बाहर खर्च पे खर्च करते जाओ, नहीं। जो भी आपका बजट है उस हिसाब से कभी कभार बाहर जाना ज़रूरी है। महीने में ना सही, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार थोड़ा आउटडोर कर लो। होटल में जाके सेक्स करने का मज़ा ही अलग होता है। आप हस्बैंड वाइफ हो, कपल हो, कभी कभार बाहर चले जाओ, आउटडोर पे चले जाओ, 2 दिन के लिए चले जाओ, और बाहर जाके जो मूड बनता है ना दोस्तों, वो कितना भी आपका बढ़िया चकाचक रूम हो, कभी कभार वो मूड बनने में समय लगता है, खासतौर से अगर आप पति पत्नी हो। मैं साल में 3-4 बार तो आउटडोर ज़रूर, थोड़ा बहुत यानी कि पास में ही चली गई, 2-3 दिन के लिए चली गई, मैं हमेशा ये आउटडोर प्लान करती हूँ। बिकॉज ये आपके मेंटल स्टेट को भी रिफ्रेश करता है, आपके फिजिकल हेल्थ को भी रिफ्रेश करता है। ये कुछ चीज़ें अगर आप मेंटेन करोगे ना तो शादी के कई सालों बाद भी आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा आपकी बॉडी। क्योंकि अक्सर जब आप तनाव रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर अगर मैं औरतों की बात करूँ तो फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन भी उनमें हो सकता है, मर्दों में भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, काफ़ी सारी चीज़ें फिर क्रिएट हो जाती है जो बाहर से दिखता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है और जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी जो इंटीमेट हेल्थ है वो खराब होती है और फिर वो करना ही छोड़ देते हैं। इसके अलग से फ़ायदे भी हैं दोस्तों। साइंस बताती है, इवन आयुर्वेदा भी बताता है कि जब हम संभोग करते हैं, अगर अच्छे से हम संभोग करें तो उसका असर भी हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार में, हमारे मेंटल स्टेट में उसका अच्छा असर पड़ता है। तो इसीलिए जितना लंबा समय तक आप सेक्सुअली एक दूसरे के साथ अटैच रहोगे उतना आपका शारीरिक बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा, मानसिक भी मिलेगा, और इसका असर आपके फैमिली पे भी पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय।